ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.9। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है अ सीरीज एलसीआर सर्किट विद आर इज इक्वल टू 20 ओम। आर कितना दे रखा है 20, एल कितना दे रखा है 1.5, सी कितना दे रखा है 35 माइक्रोफेरेड, एल इस बार हेनरी में दे रखा है, इज कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ओके, एसी सप्लाई है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। ओके, जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, सप्लाई जो है वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। भाई सिंपल सी कहानी है, क्वेश्चन किस पे है, रेजोनेंस पे है। ठीक है जी, अगर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, मतलब सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी थी वो रेजोनेंस के इक्वल हो जाएगी, तो पावर कितनी होगी। दैट मीन्स कंसेप्ट सिंपल है कि रेजोनेंस की बात हो रही है। ओके, अब ध्यान से समझो, एट रेजोनेंस जेड किसके इक्वल हो जाता है, आर के। ओके जी, वैसे तो करंट इस सर्किट का ई बाय जेड आना था। ओके, लेकिन क्योंकि जेड तो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस हुआ पड़ा है, तो जेड इज इक्वल टू आर, तो आर कितना दे रखा है यहां पे देखो 20 ओम, यहां पे इसको यूज कर लेंगे 20 ओम, तो करंट आ रहा है जी अपना, वोल्टेज, वोल्टेज दे रखी थी आपको 200 वोल्ट एसी सप्लाई, कहीं नहीं बोला ये पीक वैल्यू है, और जब कुछ ना बोलेगा वो आरएमएस ही होती है फिर, तो ये 200 है, ध्यान से लेना, 220 नहीं, 200 दे रखी है तो 200 ही लेनी है, डिवाइडेड बाय 20, इससे अपना करंट कितना आ जाएगा, ये तो सिंपली आ गया 10 एम्पियर। ओके जी, बिकॉज हमने आरएमएस यूज की तो करंट भी कौन सा आ गया, आरएमएस ही आ गया, अपने पास करंट भी मिल गया और उधर अपने पास वोल्टेज 220 दे ही रखी है। अब आती है बात, मांगा गया था इसने क्वेश्चन में, वो व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। ओके, एवरेज पावर का फार्मूला होता है ई वी आई वी कॉस ऑफ फाई। ओके, ई वी इंटू आई वी इंटू कॉस ऑफ फाई, बिकॉज रेजोनेंस हुआ पड़ा है, एट रेजोनेंस पावर फैक्टर की वैल्यू यानी कॉस फाई की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाती है, रेजोनेंस में फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, तो यहां पर बात यह बनी कि वोल्टेज कितनी दे रखी थी 200। ओके, करंट हमने कितना निकाल लिया 10, कॉस फाई 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2000 वाट, दैट मीन्स 2 किलो वाट, तो पावर का फार्मूला 2 किलो वाट। क्वेश्चन बड़ा था दिखने में, लेकिन लॉजिकली इसमें सॉल्व करने के लिए इतना ही है जी। ओके, करो जी भैया इसको।